यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग सुकून से रहते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए जो तकलीफ़ पड़ती है उसकी मैं आपको एक बात बता दूँ। वो जो ये पत्थर में से, क्योंकि बारिश की वजह से सांप वगैरह भी आउटसाइड आ जाते हैं, एंड ये वाला जो पानी है फिल अप हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको आवाज़ आ ही रहा होगा, मम्मी ये सब करते ही रहते हैं। एंड यस, तो यही है। एंड इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली का नाम, बिकॉज हम ही एक है, यू नो, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आज मैं आपको आपके लिए कुछ ये वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ जिससे आप लोग कुछ कर सकें। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ इस वीडियो के एंड तक आपके दिल में ऐसा होगा कि यार अब मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ सही हो जाए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको वो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने अपने बचपन से अभी तक तय की है, एंड स्टिल आई एम फाइटिंग विद द स्टोरी। मैं वो स्टोरी से अभी भी लड़ रही हूँ। चलिए, इसी बात पर इस वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना। बहुत दिल पे पत्थर रख के ये बात बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज वो बचपन है ना। आप भी अपने बचपन की कुछ बातें मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो आपको मैं बता दूँ, पिछले 7 साल मम्मी हमको छोड़ के चले गए थे। हमारी मम्मी हमारे साथ नहीं रहते थे बिकॉज ऑफ वर्क, क्योंकि ये हमारा घर जो आज आप देख रहे हो ना, इसकी दीवारें हैं, तो आज से 12 साल पहले ये दीवारें भी नहीं थी। आज से 12 साल पहले कुछ भी नहीं था, पत्रे की दीवार थी, पत्रे की छत थी। तो जब भी बारिश आता था ना, तो पत्रे की दीवारों में से मिट्टी का रास्ता निकाल कर घर में पानी आता था। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी आता था क्योंकि इतना पॉल्यूशन नहीं था ना। अभी पॉल्यूशन बहुत है तो बारिश भी कम आती है। तो उस वक्त क्या होता था कि घर में पानी आ जाता था। मैं बहुत छोटी थी तो अमान को हम लोग सुला देते थे, एंड मैं और मेरे अब्बू हम उस पानी को बाहर निकालते थे। तो वो जो स्टोरी है ना, आज मेरे को याद आई क्योंकि आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, घर में बाहर थोड़ा पानी आ गया एंड ऑल। तो याद आता है कि अब्बा ने किया, हमको संभाला, तो मेरी अम्मी ने कमाया, है ना। तो वो दोनों चीज़ मैंने आज सोची तो मुझे इतना ख्याल आया कि एक इंसान नहीं कर सकता, दो इंसान मिलके कर सकते हैं, तभी जाके ये घर बना है, ये घर की जो दीवारें वो बनी। भले कैसा भी हो, बड़ा नहीं है, इतना वेल सेट नहीं है, बट ये ट्रू स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बनाए बनाई स्टोरी नहीं है। तो पता है, सबने अपनी लाइफ में ना देखा होगा, जब भी बारिश होती है तो ये शोर ज़रूर मचता है हमारे घर में। तो पता है, आई फील एवरी एंड ईच, मैंने सारे मौसम फील किए, बारिश, ठंडी, गर्मी, और अल्लाह सुभान ताला की तरफ से है ये। तो ये शोर जो भी मच रहा है ये बहुत कॉमन है। तो आपकी भी कोई स्टोरी होगी ऐसी ही, मुझे पता है, यू नो। तो सब लोग पूछते हैं कि फरहीन आपने इंस्टाग्राम पे रील बनाना कैसे स्टार्ट किया। आवाज़ आ रहा है मेरा? फिर भी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, फरहीन आपके अंदर ये ख्याल कहाँ से आया वीडियो डालने का। तो मैं बता दूँ, मैं बहुत टाइम से बहुत से लोगों को सलाह देती थी। कभी भी कोई पूछता था फरीन ये, तो मैं सलाह दे देती थी। और एक बात बताऊँ, मेरी जो पढ़ाई है ना BA विथ इकोनॉमिक्स, वो एक ऐसी किताब है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे आप लोग खुलते हो, निकलते हो एंड आप बोल पाते हो। तो मेरी पढ़ाई ने ही मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया है, ये सच है। तो लाइनें आ जाती है दिल से, क्योंकि तकलीफ भी इतनी है दिल में, तो ये सब दिल से होता है। तो मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं वो फेक स्टार नहीं हूँ, मैं वैसे भी स्टार नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ। मुझे लोग पूछते हैं, फरीन
कभी तो ऐसा फील करो कि आपको बहुत लोग जानते हैं, बट नहीं, मेरे को ये फील नहीं करना है, आई एम नॉर्मल। मैं आपको यहाँ का व्यू अगर दिखाऊँ ना, इट्स सो प्रीटी, यू नो, लुक एट द व्यू, ये यस। एंड पानी भी आ जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें फेस आउट करनी पड़ती है। तो मैं आपसे जस्ट यही कहूँगी कि मेरी जो जर्नी है ना, बहुत डिफिकल्ट है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी काबिल बन जाऊँ कि कुछ कर सकूँ। एंड यू नो, बहुत बड़े ड्रीम नहीं है, बट जो छोटे मोटे हैं, इंशाल्लाह। मम्मी को एक वादा किया है कि उनका किचन बना के दूँगी, तो एस्टिमेट कुछ 50K का निकला है, 50,000 का इंशाल्लाह। तो मैं वो 50,000 मम्मी को देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखोगे पूरा तो मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। यस, क्योंकि यूट्यूब पैसे देती है, लेकिन यूट्यूब कितने पैसे देती है पता है? यूट्यूब $100 पर, मतलब 8,000-9,000 समथिंग होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन वो $100 भी 2-3 महीने में एक बार बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत मेहनत करके करती हूँ। यू नो, अभी बहुत से लोग बोलेंगे, फरीन सिंपैथी गेन कर रहे हो, फरीन आप तो ऐसा वैसा, बट ये कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपको बस यही कहना चाहती थी कि मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए वो बहुत दिल से किए हैं। मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई यार इतनी तकलीफें, तो होता है, तकलीफें हैं, बट यू नो, गरीब ही अल्लाह के करीब है। तो यू नो, आप जानते हो, कब्रिस्तान में तो कोई दीवार नहीं है, कब्रिस्तान में कोई दीवार नहीं है, कब्र के अंदर कोई महल नहीं है, ना ही कफन में जेब है और ना ही कब्र में अलमारी है। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये क्यों कर रहे हैं हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी चीज़ें, वो साथ लेके जाना नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कमाना किस लिए, एंड मैं हमेशा इसलिए भी रो देती हूँ, बिकॉज आई फील द पेन। जो भी मेहनतें हैं, जो भी मैं करती हूँ, उसके पीछे मैं ये सोचती हूँ कि कुछ कर सकूँ। एंड जब भी मैं सोचती हूँ, तो ये भी सोचती हूँ कि सब कुछ छोड़ के जाना है, क्यों ना इसको यूज़ कर दे पैसे जो भी है। तो इंशाल्लाह मैं अपने फैमिली को कुछ दे सकूँ, इतने काबिल ज़रूर बनना है। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि फहीन अभी भी मतलब सेक्रीफाइसेस करती हैं, और भले ही मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हो, 3-3 यूट्यूब चैनल हो, बट स्टिल अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कहाँ होती। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि इंसान के पास पैसा होता तो इंसान बिकम अ बिगर, मतलब हो जाता है इंसान, चेंज करता अपना घर, अपनी लाइफ को चेंज करने का काम करता है। मैं कभी भी फेक चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करती, मैं हलाल वक्त सोचती हूँ कि कोई का हलाल काम हो, हराम चीज़ों में मैं नहीं पड़ती। इसीलिए मैं प्रमोशंस भी बहुत कम करती हूँ, तो उससे पैसा भी नहीं आता है। तो जो भी मेरी फैम है, जो भी मेरे फॉलोवर्स है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे यूट्यूब पर ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज एक ही चीज़ है जहाँ से मैं अर्निंग कर पाती हूँ, यूट्यूब। तो प्लीज़ सपोर्ट मी हियर, थैंक यू। एंड क्या मेरी स्टोरी सुन के कुछ फेक वेक लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ लगा? कमेंट बॉक्स में बताना।